नमस्कार, मैं रोहित दीवान एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके कुकिंग चैनल कुकिंग फंडा में। आज अपन बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ पोहा। ये 10 मिनट की रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, बनने के बाद कुछ इस तरह की दिखती है ये। इसका कलर बहुत प्यारा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है ये। खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। हमने यहाँ पे पोहे लिए हैं, इसका नाप नहीं होता इंग्रेडिएंट्स का, इसके अंदर आपको जितने चाहिए उतने ले सकते हैं आप। इन पोहों को मैंने थोड़ा नल के नीचे वॉश कर लिया है, भिगो के नहीं रखना है इनको, जस्ट नल के नीचे वॉश करें। अब हमने यहाँ पे कुछ वेजीज ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पे कैप्सिकम, थोड़ी सी गाजर, थोड़े मैंने मटर के दाने लिए हैं, थोड़े मैंने प्याज लिया है, थोड़ी सी मैंने स्प्रिंग अनियन ली है, हरी प्याज जिसको बोलते हैं उसका हरा वाला पार्ट लिया है। ये जो मैंने किया है ये मिर्ची और अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने मिक्सी में ही किया है। 4 से 5 मिर्ची लेके और उसके अंदर अदरक और थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लिया है अपन ने। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है अपनी रेसिपी का। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर रेड चिली सॉस। उसके अलावा हम लेंगे विनेगर, थोड़ा सा वाइट विनेगर, सिरका भी बोलते हैं जिसको, थोड़ा सा मैंने लिया है सोया सॉस। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स में हमारी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने पोहे जो अपन ने गीले करके उनको रखा है उसके अंदर अब नमक डाल देंगे, जिससे नमक इवनली मिक्स हो जाए पूरे पोहों में अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा जितना आपको आपके स्वाद के अनुसार चाहिए उतना ले सकते हैं। मिक्स कर दें इसको अच्छे से। अब जो हमने मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाया है इनको इन पोहों पे डाल के अच्छे से मिक्स करना है अपन को। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखा सारा डाल लें, आपको कम लेना है कम भी ले सकते हैं, मैंने सारा डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप, चम्मच से करना मुश्किल होगा तो आप हाथ अच्छे से धो लें और फिर हाथ से करें। ये देखिए, मिक्स होने के बाद में इन पर एक अच्छा सा ग्रीनिश रेडियंट सा कलर आ जाता है। ये इनको आप यहाँ पे टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट ठीक लग रहा है, मिर्ची तीखापन आप देख सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करें और कढ़ाई चढ़ाएं। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल कम में बनाना है तो बिल्कुल कम ले लें, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा। आप ऑयल की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं, आप घी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल का गर्म होने का वेट करेंगे हम। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा और राई। आप यहाँ पे सरसों के दाने भी डाल सकते हैं, सरसों के बीज जिनको बोलते हैं, वो थोड़े राई से मोटे होते हैं, इनको अच्छे से चिटकने देंगे हम। जब ये अच्छे से हो जाए तो अपन ने जो वेजीज लिए हैं वो वेजीज डालेंगे हम। सबसे पहले प्याज, फिर कैप्सिकम, कैरेट, स्प्रिंग अनियन और मटर। आप इसके अंदर वेजीज जो चाहें वो ले सकते हैं, अगर आपका मन है आप मटर हटाना चाहते हैं, प्याज हटाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आपको जो वेजीज लेनी है आप वो लीजिए, आप स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, आप बीन्स ले सकते हैं इसके। और अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बेल पेपर्स ले सकते हैं, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, जो वेजीज चाहिए आपको ले सकते हैं। इनको हम सौटे करेंगे फुल फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। इनको अपन को पूरा पकाना नहीं है, हम इसको कच्चा ही रखेंगे। हम इसको आधा कच्चा आधा पक्का रखेंगे क्योंकि पोहा बनने के बाद में जब अपन इसको खाते हैं तो उसका जो हल्का सा क्रंचीनेस आती है कच्चेपन की, वो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए ये हो चुका है। अब जो हमने पोहे रेडी किए थे वो पोहे डाल देंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे अपन। मिक्स होने के बाद आप देखेंगे कि ये कितने सही लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। इस टाइम पे मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस। बच्चे के लिए बना रहे हैं आप तो इसके लिए टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं, मैं 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच ही मैं डाल रहा हूँ विनेगर। सोया सॉस से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, अगर आपको कलर थोड़ा और अच्छा चाहिए तो आप सोया सॉस कम डालें या ना डालें तो चलेगा। लास्ट में हम इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे, मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी डाली है यहाँ पे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट करके देख लेंगे, मेरे को किसी चीज़ की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं थी तो इसको मैंने गार्निश कर दिया है धनिया के पत्ते से। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, धनिया के
पत्ते के साथ। आप इसके ऊपर भुजिया भी लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।